मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहाँ जगह जगह सड़कें धंस रही हैं, शहर डूब रहे हैं। जोशीमठ का उदाहरण हमारे सामने है। तो जब जोशीमठ को में भू धसाव हो रहा था और तब केंद्र सरकार की कमेटी और राज्य सरकार की कमेटियाँ बैठी थी, इन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टें दी हैं। तो जो एक्सपर्ट ग्रुप है जिसमें जिसके अध्यक्ष उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड के सेंसिटिव जोन है, सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तरकाशी से लेकर गौमुख तक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यानी इस पूरे क्षेत्र को यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। सड़कें केवल जो, क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस की रोड है, बॉर्डर रोड है, तो BSF वहाँ रोड बना सकती है। इसके अलावा वहाँ मेजर कंस्ट्रक्शन जैसे डैम नहीं बन सकते, वहाँ बड़े बड़े होटल नहीं बन सकते। तो ये इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, लेकिन वो सब एक किनारे हैं। वहाँ भ्रष्टाचार के कारण या दूसरे कारणों से लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और जो जोशीमठ में हमने देखा, जोशीमठ में दो जगह से, एक तो जो बद्रीनाथ हाईवे बन रहा है उसके कारण, और जो दूसरी तरफ तपोवन विष्णु घाट जो डैम बन रहा है उसके कारण जोशीमठ पूरी तरह से हिल गया और वहाँ भू धसाव हुआ। करीबन 800 मकानों में दरारें आई, दो होटल पूरी तरह से हिल गए थे, झुक गए थे। तो राज्य सरकार ने उन सब मकानों को तोड़ना और होटलों को तोड़ना शुरू कर दिया है और जो वहाँ के लोग हैं उनको दूसरी जगह बसाया जा रहा है, उनको मार्केट रेट पर कंपनसेशन दिया जा रहा है। तो वहाँ जो रिपोर्ट पेश की थी एक्सपर्ट ग्रुप ने, उन्होंने ये कहा था कि औली का भूस्खलन हुआ था और उस भूस्खलन में जोशीमठ बसा, और जोशीमठ में जब भूस्खलन आया था 1930 के आसपास, तो उसके ऊपर जब लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए थे, तो 1940 में ही अंग्रेजों की सरकार में एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ घर नहीं बनने चाहिए क्योंकि भूस्खलन के ऊपर बसा हुआ, ये कभी भी फिसल सकता है, गिर सकता है। लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1976 में मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ये भूस्खलन है, इस यहाँ मत बसाइए लोगों को, जो लोग बस रहे हैं उनको यहाँ से हटाइए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। और अब जो 15-16 दिसंबर को भू धसा हुआ और 800 मकानों में दरारें आ गई और उसके बाद लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। और उसके बाद फिर एक और एक्सपर्ट ग्रुप बना था, उस ग्रुप ने भी बताया था कि किस तरह से वहाँ पर जो भूस्खलन के ऊपर बना हुआ है, जब वहाँ कंस्ट्रक्शन का बोझ पड़ा तो उसके बाद वहाँ दरारें आई। और उसके बाद एक और रिपोर्ट अब आई है, उस रिपोर्ट ने भी कहा है कि जो इको सेंसिटिव जोन है वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए। और उत्तराखंड में जिस तरह से चारधाम की जो सड़कें बन रही हैं, जो वहाँ पर रेलवे बनाया जा रहा है, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ रेल बनाई जा रही है, तो उसके कारण पूरा पहाड़ हिल रहा है, क्योंकि सुरंगें बनाने में, डैम बनाने में, सड़कें बनाने में वहाँ बम विस्फोट करने होते हैं, डायनामाइट लगाने होते हैं, तो वो उन विस्फोटों से पत्थर हिल जाते हैं, जो बोल्डर हैं वो हिलते हैं, जो मिट्टी है वो हिलती है। तो उसके कारण आसपास की जो ज़मीन है, चूँकि उत्तराखंड जो है वो बहुत ही नया है और बहुत ही उथला है, और उसका जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है वो ढीला है, तो इसके कारण जब भी बम विस्फोट होते हैं तो हिलता है। और फिर उसका असर हम देखते हैं कि आए दिन वहाँ पर सड़कें बह रही हैं, घर बह रहे हैं, गांव बह जाते हैं। और 2013 के हमने उत्तराखंड की जो केदारनाथ की बाढ़ देखी थी, 10,000 लोग मर गए थे, और लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और कहाँ कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बादल गिर रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और अभी ये जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि गौमुख जो सबसे सेंसिटिव है, गौमुख में लोगों के प्रवेश के कारण उसका जो बहाव है वो बहुत कम हो गया है और गौमुख पीछे चली गई है, और गौमुख ग्लेशियर भी पीछे चला गया है। तो वहाँ जो दो जगह, एक बैना और स्याबा, दो जगह, इन जगहों के बीच, दो जगहों के बीच में करीबन 9 किलोमीटर एक रोड है वो बना दी गई है। और वो इतना सेंसिटिव जोन में, जो घना जंगल था, जंगलों से पेड़ काट दिए गए हैं और सड़क बन गई है, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि ये सड़क बनी बिना परमिशन के, ना इसमें पर्यावरण क्लियरेंस ली गई और ना ही इसकी अन्य जो ज़रूरी थी, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो ली गई, और अब ये
चूंकि खतरा हो गया है, इको सेंसिटिव जोन को हिला दिया है, वहाँ से पेड़ काट दिए हैं, क्योंकि जब सड़क बनती है तो जंगल को तो काटना ही पड़ता है, मिट्टी को भी काटना पड़ता है। तो जो मिट्टी जहाँ डेबरीज ढेर लगे होंगे मिट्टी के, तो उन ढेरों के कारण वहाँ जो गड़बड़ियाँ हुई है, पानी का बहाव रुका होगा, तो वो अब ये खतरा, एक और खतरा हो गया है कि उस क्षेत्र में अब फिर टूट फूट होगी, जैसे बारिश होगी फिर सड़कें टूट जाएंगी। तो उस पर उन्होंने एक्शन लेने को कहा है, कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके खिलाफ, जो ठेकेदार है उनके खिलाफ, और जो वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर है जिनकी देख रेख में ये काम हो रहा है उनके खिलाफ, तो ये उन्होंने काम किया है। तो इसको 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 रोका जाना चाहिए, और ये इसके खिलाफ एक्शन होगा। तो देखते हैं क्या एक्शन होगा, क्योंकि जो इन्वायरमेंट की फॉरेस्ट क्लियरेंस है या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्लियरेंस है, वो इसमें क्या रिपोर्ट देती है, और जो फॉरेस्ट क्लियरेंस और इन्वायरमेंट क्लियरेंस और जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, और इस सब के लिए जो सबसे ऊंची बड़ी कमेटी है, उसको एक चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं है। तो देखते हैं कि इस सेंसिटिव इशू में प्रधानमंत्री क्या एक्शन लेते हैं और उत्तराखंड को कैसे बचाते हैं। नहीं तो उत्तराखंड आने दिनों में, एक तो वहाँ पलायन हो रहा है बहुत तेज़ी से, लोग घर छोड़ रहे हैं, और ऊपर से वहाँ जो जनसंख्या का जो बदलाव हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो देखते हैं कि इसमें अब ये कैसे एक्शन लेकर कैसे उत्तराखंड को बचाते हैं। अभी के लिए इतना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।